अखिल भारतीय नांदी ब्राह्मण महासभा के चुनाव की सुगवार शुरू हो चुकी है। लगातार समाज में हलचल है। इसी के साथ ही हम कई विषय हैं जिनके को जानने के लिए नाबदा प्रखर ने अपना एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक पहल शुरू की है, जो समाज की विभिन्न हस्तियों से उनके बारे में जान राय ले रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं, महासभा कैसी होना चाहिए, महासभा अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। ऐसे अनेकों सवाल, समाज का विकास कैसा हो, कैसा, इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, वह अनेकों समितियों के अध्यक्ष, नगर के वरिष्ठ नागरिक, महासभा के उपाध्यक्ष, इटारसी समाज के वर्षों से संरक्षक रहे, अनेक राजनीतिक मर्मज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार, उसके अलावा ये चलती फिरती संस्था है। अगर उन्हें जिले की सभी गतिविधियों की धुरी का केंद्र कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे ही वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे बीच में हैं, श्री प्रमोद पगारी जी, जिनसे हम जानेंगे अनेकों सवाल के कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। अखिल भारतीय नारंदी ब्राह्मण महासभा के निर्वाचन वर्षों से हो रहे हैं और वही संस्था जिंदा रहती है, उसी संस्था में स्वच्छ वातावरण रहता है जिसके चुनाव नियमित तौर पर और निष्पक्ष हों। हमारे समाज को कई भागों में बांट दिया। कोई कहता है मालवा के निमाड़ी हैं, कोई कहता है पूर्व निमाड़ के निमाड़ी हैं, कोई कहता है पश्चिम निमाड़ के निमाड़ी हैं और कोई कहता है कि ये भुआने हैं। सब लोग जब माँ नर्मदा की पूजा करते हैं, उसे अपनी आराध्य मानते हैं, फिर नारंदी का अर्थ ही केवल होता है नारंदी। रही बात चुनाव की, चुनाव में एक संस्था में जब कोई व्यक्ति बड़ा पद पा जाता है तो वे सोचता है कि आने वाले समय में भी उसी के अनुयायी या उसी क्षेत्र के लोग निर्वाचित हों। मेरा मत थोड़ा अलग है। ना मैं भुआना हूं, ना मालवा का हूं, ना पूर्व का हूं, ना पश्चिम निमाड़ का हूं, मैं केवल और केवल नारंदी ब्राह्मण हूं। यदि समाज का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनका नजरिया स्पष्ट और व्यापक हो जाए कि विभिन्न क्षेत्रों में जहां हमारा समाज रहता है, बारी बारी से एक एक क्षेत्र को हम अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व दें, अगर यह भी संभव ना हो तो कम से कम 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएं, जो चारों क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रमुख व्यक्ति जो अध्यक्ष के दावेदार हो सकते हैं या दावेदार नहीं भी हो तो उनके घर जाकर उनको न्योता दिया जा सकता है कि आप समाज का नेतृत्व करते हैं, आप इसकी अगुवाई करिए। महाराष्ट्र का, गुजरात का बड़ा नजदीक का संबंध अखिल भारतीय नारंदी ब्राह्मण महासभा से है, इनके लोगों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि चुनाव में वोट डालने की बजाय निर्विरोध अध्यक्ष अगर बनेगा तो समाज में एका रहेगा। अहंकार, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान को अगर साथ लेके कोई लोग चलेंगे तो आप मान के चलिए समाज में फिर बिखराव होगा। समाज के पूर्व अध्यक्ष, समाज के संरक्षक और वरिष्ठ लोग बैठ करके एक नाम तय करें और उसकी घोषणा कर दें कि सर्वसम्मति से ये नाम तय किया जा रहा है। चुनाव से समाज टूटेगा। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे पिछले अनुभव बहुत अच्छे नहीं है। समाज को टूटना नहीं चाहिए। समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वही हो जिसको समाज स्वीकार करे। और मुझे उम्मीद है कि समाज के हमारे सभी सुधीजन, वरिष्ठ जन इस मामले में कोई गंभीर निर्णय लेंगे। अखिल भारतीय नामदी ब्राह्मण समाज का आपकी अगुवाई में एक महासम्मेलन का आयोजन इटारसी में किया गया था, बड़ा विराट सम्मेलन था, अपने आप में वो भूत और भविष्यतीत वाली चीज थी। इतना सब करने वाला आप उस संबंध में क्या कहेंगे, क्या अनुभव रहा है आपके, कैसे अनुभव रहा है उस सम्मेलन को लेकर? अखिल भारतीय नारंदी ब्राह्मण महासभा का महाअधिवेशन करने की जिम्मेदारी इटारसी इकाई को मिली थी। ये अखिल भारतीय महासभा का निर्णय था, लेकिन उस सम्मेलन को कराने के बाद हम दुखी हैं। उस सम्मेलन के बाद ही टूटन की बात शुरू हुई, उस सम्मेलन के बाद ही महिला अध्यक्ष के लेकर के विवाद हुए और उस सम्मेलन के बाद ही ना जाने कितने कैसे कैसे आरोप हमारी इटारसी इकाई पर भी लगे। जैसी सेवा बनी हमने वैसी की, लेकिन जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी।
हमने सम्मेलन को एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रारंभ किया था और हम चाहते थे वो उसी स्थिति में समाप्त हो, लेकिन सम्मेलन में आपसी विवाद हुए, आपसी जहरीलापन पैदा हुआ और रिश्तों में भी कड़वाहट आई। हमसे जो बन सका था वो हमने किया, लेकिन उस सम्मेलन के बाद हम लोग निराश हुए। हम बस इतने कहना चाहते हैं, सबसे बड़ी समस्या समाज में आ रही है कि बहुत गरीब वर्ग अपने समाज में है, चाहे जब किसी पे आपदा आ जाती है और फिर वो बाढ़ साहब के मैसेज के माध्यम से मांग करते हैं कि हमें सहायता की जाए, और ये हमेशा इस समस्या का क्या निदान हो सकता ताकि ये परमानेंट इसका इलाज हो जाए अपने समाज में, ताकि आपदा के लिए एक कोष निर्मित हो जाए और जिससे तुरंत उसको सहायता मिल जाए। अखिल भारतीय नारंगी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री सुभाष महोदय की पहल पर अति जरूरतमंद व्यक्तियों को सहयोग देने के लिए कई प्रयास किए गए, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन समाज बड़ा है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान हम कार्रवाई कर पाए, जिन तक और पहुंचना था वो सेवा नहीं पहुंच पाई। यदि आप ये सोचें कि समाज के सब लोग कुबेरपति हैं तो ये सोचना गलत होगा। समाज मध्यम श्रेणी का है, कुछ लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो कितना दान कर पाते हैं इसकी जानकारी बराबर मुझे नहीं है, पर जो दान करते होंगे उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। परंतु इस मामले में मेरा एक सुझाव है, हो सकता समाज स्वीकार करे या ना करे, मैंने मांडव की सभा में भी इस बात को उठाया था। महाराष्ट्रीयन समाज में एक परिवार की अगर शादी होती है तो सदस्य ने जो समाज का है, किसी ने बेलन चकला दिया तो बेलन चकला देगा, किसी ने स्टोव दिया है तो स्टोव देगा, जिसने रजाई गद्दे दिए वो रजाई गद्दी देगा। इस प्रकार दहेज का पूरा सामान कन्या का वो एकत्रित कर देते हैं और जब जिसके यहाँ जैसी शादी होती है जिसने जो दिया है वैसा उसको वापस कर दिया जाता है उसी घर परिवार के द्वारा। एक बात तो ये हुई कि कन्याओं के विवाह में हम इस तरह का कुछ प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात आई आपदा प्रबंधन की, समाज में इतनी सक्रियता, इतनी भागीदारी या इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि कोई प्रतिमाह आपको दान करे, परंतु यदि आप टारगेट निश्चित करें कि हमको 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का कोई आपदा प्रबंधन संग्रह करना है तो उसके लिए पारदर्शी वातावरण होना चाहिए। आप 500 रुपए के, 200 रुपए के, 1000 रुपए के कुछ ऐसे वाउचर प्रिंट करा सकते हैं, डोनेशन पत्र जिसको हम बोलते हैं, दान पत्र जिसको बोलते हैं, और प्रत्येक इकाई को भेज सकते हैं और प्रत्येक इकाई से अनुरोध करें कि भाई आप 1 लाख रुपया, 50,000 या 25,000 रुपया के ये दान पत्र हमको करके सीधे हमारे इस बैंक अकाउंट में डालिए और यह बैंक अकाउंट इस तरीके से संचालित होगा। यह कार्य एक वर्ष में नहीं होगा, जब तक आपकी निर्धारित राशि 25 लाख या 50 लाख जो भी आप निश्चित करते हैं वो एकत्रित नहीं हो जाती है तब तक आपको उस राशि से छेड़छाड़ का कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। महासभा ने कई प्रयोग किए कि इस तरह से हम राशि इकट्ठी करें, कई लोगों ने चेक भी दिए, कई लोगों ने दान भी दिया, लेकिन उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम। परंतु यदि महासभा का गठन होता है और उसका मुख्यालय चाहे भोपाल रहे, इंदौर रहे, खंडवा रहे, हरदा रहे, नागपुर रहे, गुजरात रहे, जहां भी रहे, उसके कार्यकारी महासचिव भी जैसे कार्यकारी 4 अध्यक्ष बने वैसे कार्यकारी महासचिव भी उसके 4 बनना चाहिए, ताकि अपने अपने क्षेत्रों में वो उतनी उदारता के साथ उतना समय दे करके वो कार्य कर सकें। मुझे नहीं लगता कि मेरी बातों पे समाज की महाइकाई कुछ गौर करेगी, लेकिन मेरे मन के विचार हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए जो राशि निश्चित की जाए, जब तक अपना टारगेट पूरा ना हो उसको खर्च ना की जाए। मैं उन सब लोगों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने टी चौथराम में भर्ती कुछ लोगों की मदद करी या अन्य अस्पताल में भर्ती लोगों की मदद करी या कुछ ऐसे लोगों की मदद की जिनको आवश्यकता थी, ये तो होना चाहिए। आखिरी बात है बेरोजगारों की, बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने के मामले में हम भाषण देते मेरे सहित, लेकिन काम कितना होता मुझे नहीं मालूम। हमारे सामाजिक स्तर पर बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रयास में हम दोषी हैं कि उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिला पाए। समाज के सभी बुजुर्ग लोग, नई पीढ़ी के युवा जो आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, अन्य क्षेत्रों से जुड़े हैं, चाहिए कि कुछ ऐसे सुझाव दें कि इन बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जा सके। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, अगर कर्मकांडी ब्राह्मण का संकल्प हमारे किसी ब्राह्मण परिवार के बच्चे ने लिया है उसकी शादी के लिए
हमारे समाज में कन्याओं का अभाव है। हमारे समाज की कुछ कन्याएं दूसरे अन्य जातियों में जाकर विवाह कर सकती हैं, लेकिन जो हमारा कर्मकांडी ब्राह्मण है उसके विवाह के लिए बड़ी पीड़ा होती है। इस पर भी गौर करना चाहिए। मेरा सबसे अनुरोध है कि अच्छे से सार्थक स्वरूप में, सकारात्मक स्वरूप में इन मुद्दों पर विचार करेंगे तो समाज का कुछ भला हो पाएगा, वरना जो हम पर दोष है समाज में किसी भी क्षेत्र में आगे न बढ़ने का, वो हम पर हमेशा रहेगा और आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं कर पाएगी। धन्यवाद आदरणीय पगारे जी।